नमस्कार। तो आप लोगों ने बहुत पसंद किया मेरा यूपी का वीडियो, जिसे मैंने सारे के सारे कॉलेज को रैंक किया क्वालिटी में। ऐसे मैंने राजस्थान का भी किया था, और फिर आप लोगों ने बोला सर मध्य प्रदेश का भी कर दीजिए। देखिए हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, जहाँ एक एक दो दो कॉलेज हैं वहाँ क्या ही रैंक करूँ। और पंजाब क्लोज स्टेट ऐसे अक्सर हम करते नहीं है, फिर भी कर दूंगा मैं पंजाब का अलग से। बट मध्य प्रदेश एज ऑफ टुडे टोटल 12 मेडिकल कॉलेजेस हैं, मोस्टली ये भोपाल रीजन और इंदौर रीजन में बटे हुए हैं। इसके अलावा एक ही कॉलेज है जो हट के है जबलपुर में। तो बहुत सिंपल है, द एंटायर वर्ल्ड नोज नंबर वन वुड बी श्री अरबिंदो इंदौर, मेन इंदौर शहर में पड़ता है। नंबर टू इस आरडी गाल्डी उज्जैन, ये दो मध्य प्रदेश के टॉप दो कॉलेज हैं। और जो मैं अक्सर आपको एक पैरेलल करता हूँ इंडिया का, तो अरबिंदो तो भाई ग्रेड में गिना जाएगा टॉप 30-35, मतलब इन द लाइन्स ऑफ कस्तूरबाज, JSS, JLN बेलागावी, मतलब उस लेवल का, टाटा मणिपाल या जॉली ग्रांट, MGM जयपुर, SRM बरेली, DMC लुधियाना, ये जो एक सर्कल है टॉप कॉलेजेस का। प्राइवेट की बात करूँ, उसी में फिर गवर्नमेंट भी जोड़ेंगे, तो इन टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में ही आता है अरबिंदो, वेरी क्लोज टू अरबिंदो इस आरडी गाल्डी। तो आप इस यहाँ की आरडी गाल्डी को देहरादून के गुरु राम राय से जोड़ लीजिए, या राजस्थान में जरा सी नीचे MGM से गीतांजलि से कंपेरिजन कर लीजिए, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, राइट। तो दोनों कॉलेज बहुत शानदार हैं। उसके बाद नंबर तीन मेरे हिसाब से चिरायू मेडिकल कॉलेज भोपाल और LN मेडिकल कॉलेज भोपाल। इसमें तीन और चार को लेकर काफ़ी टफ कंपटीशन है, और दोनों अच्छे में आते हैं कि आप यहाँ जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगेन नंबर पाँच इज़ वेरी क्लियर पीपल मेडिकल कॉलेज भोपाल। तो यहाँ तक पहले पाँच हो गए, जैसे मगर तीसरे और चौथे में चिरायू वर्सेज LN भोपाल हम देख सकते हैं। नंबर पाँच वुड बी डेफिनेटली पीपल। उसके बाद फिर से देखिए एक कॉलेज है इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर में, ठीक है, एक है अमलतास मेडिकल कॉलेज देवास में, तो और एक LN की ही ब्रांच है इंदौर में। तो इसमें मैं डेफिनेटली इंडेक्स मेडिकल कॉलेज को नंबर छः पे डाल दूंगा, उसके बाद अमलतास देवास और LN इंदौर, फिर से 7-8, मतलब आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे। नंबर नाइन पर डेफिनेटली सुख सागर जबलपुर, काफ़ी टाइम उसको हो गया अब चले हुए। 10-11-12 वुड बी महावीर मेडिकल कॉलेज भोपाल नंबर 10। नंबर 11 एंड 12 अगेन वुड बी RKDF एंड रामाकृष्णा, बोथ इन भोपाल रीजन, क्योंकि दोनों बिल्कुल ही नए खुले हैं। महावीर भी रिलेटिवली नया ही हैं, पर इन दोनों से पुराना हो गया, मैं इसको नंबर 10 पर डाल दिया। नंबर 9 तक आप जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में। नंबर 10-11-12 को मैं थोड़ा सा वही बिलो एवरेज रेट करता हूँ एज ऑफ टुडे। जैसा मैंने कहा नंबर 7-8 भी एवरेज में ही गिने जाएंगे, विच इज़ अमलतास एंड LN इंदौर एज ऑफ नाउ। और इंडेक्स इंदौर के जो पहले 6 थे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यू कैन ऑलवेज कॉल देम ग्रेट, वेरी गुड एंड गुड एंड अबव एवरेज कॉलेजेस। तो ये आपके पास रैंकिंग हो गई मध्य प्रदेश के कॉलेजेस की। मध्य प्रदेश में देखिए दो फैक्टर काम करते हैं, एक तो वो क्लोज स्टेट तो है ही, और दूसरा वहाँ पर बहुत भयंकर मेधावी छात्र योजनाएँ हैं, जिसकी वजह से सिर्फ SC ST नहीं, जनरल कैटेगरी के भी आधे से ज़्यादा बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, और उसकी वजह से कट ऑफ्स है वो बहुत ऊपर रहती हैं। और मध्य प्रदेश के जो 12 के 12 कॉलेज हैं, इंक्लूडिंग द न्यू 3 कॉलेज, क्योंकि देखिए बच्चों को तो फिर सीट चाहिए ही चाहिए ना, तो वो 500 में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मोस्टली बच्चा फ्री पढ़ रहा है। लेकिन हाँ, इसी वीडियो में मैं मध्य प्रदेश के बच्चों को कहूँगा कि जो बाकी बच्चे अगर आपको फीस देनी पड़ रही है और आपके 480 प्लस मार्क्स हैं और आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो ज़बरदस्ती मध्य प्रदेश में ना पढ़ के आप उस मार्क्स में अगर आप फीस पे कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे कॉलेज सेम बजट में पूरे इंडिया में मिल जाएंगे। हिंदी स्टेट्स में लेना चाहेंगे तो UP में मिल जाएंगे सेम बजट में, जैसा मैंने कहा आप हैदराबाद में लेना चाहेंगे तो अपोलो टाइप का आपको कॉलेज एंड हॉस्पिटल मिल जाएगा। तो थोड़ा सा ओपन रहिए अगर आप, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी फीस 11-12 लाख रुपए, पर जैसा मैंने कहा ना कि वो एडवांटेज ये है कि वहाँ पर मेधावी छात्र योजना बड़ी ज़बरदस्त है। अब मध्य प्रदेश के इन 12 के 12 कॉलेज में 15% NRI स्पॉन्सर्ड सीट्स, और मैं हमेशा कहता हूँ कि मध्य प्रदेश में NRI गार्जियन चलता है, विच मीन्स एनीबडी कैन टेक द सीट। अगर आप किसी भी तरह से कोई किसी भी NRI को जानते हो और वो आपका गार्जियन बन जाए, और आप नहीं जानते तो कंसल्टेंट्स हमेशा हेल्प करते हैं, हम भी हेल्प करते हैं उस पेपर को बनाने में, जो पेपर बिल्कुल जेन्युइन माने जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश अलाउ कर रहा है गार्जियन NRI को। ओके, ये हो गया। और पेनल्टी सेम रहती है 1 से 12, जैसे मैंने बताया। तो अगर आपके नंबर कम है, 200-250 की रेंज में है, आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, हिंदी बेल्ट में चाहिए, आई थिंक देन मध्य प्रदेश बिकम्स अ वेरी गुड ऑप्शन।
और अरविंद और आल्डी का जो पैकेज है वो तो शायद 1.45 तक जाता है, पर जो नंबर 3, 4, 5 थे चिरायू, एलन, पीपल, ये तीनों आपको मिल जाएंगे आई थिंक विद हॉस्टल 1.3 तक की रेंज में। डेफिनेटली अगर आपके 250 नंबर है तो आप राजस्थान के उदयपुर की भी मैनेजमेंट सीट दे सकते हैं, अमेरिकन अनंता की, और उससे भी कम नंबर है फिर भी हिंदी बेल्ट में डिसेंट कॉलेज चाहिए तो जैसा मैंने कहा आपका 1.1 पैकेज में आपको अमलतास इंडेक्स इंदौर, अमलतास और एलएन इंदौर मिल जाएगा, और सुख सागर, जबलपुर और बाकी तीन जो हैं वो तो शायद आपको 170-160 मार्क्स पे मिल जाएंगे। तो उनके लिए होगा जो जस्ट नीट क्वालिफाइड है, इंडिया में पढ़ना चाहते हैं, साउथ की ड्यून में नहीं जाना चाहते, तमिलनाडु और पौंडीचेरी की, लेट मी क्रेडिट माई सेल्फ, और हिंदी भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो आप फिर वो कॉलेज दे सकते हैं, क्योंकि और कहीं तो आपको एडमिशन गारंटेड नहीं मिलेगा अगेन एज़ पर 2023। इस बार काफ़ी नए कॉलेज खुलने की उम्मीद है, उसके बाद देखते हैं कि कट ऑफ कैसे रंग लेती है, कैसे ऊपर नीचे जाती है। वी शैल बी इन टच। आपको अभी वीडियो पसंद आया ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप जैसे बाकी बच्चे दे सकें, और मैं हमेशा कहता हूँ कि सारा ज्ञान मैं आप लोगों को देता हूँ ताकि आप लोग हमसे काम करा रहे हैं, किसी और से काम करा रहे हैं, बट यू आर अवेयर, ताकि आप फ्रॉस्टर से चक्कर में ना पड़े। 24 लाख बच्चों ने नीट लिया, 13 लाख क्वालिफाई करेंगे, 14 लाख, 1.25 लाख सीटें लेंगे, 20,000 MBBS अब्रॉड में भी लेंगे, हम तो सिर्फ 100 बच्चों का फुल टाइम काम करते हैं, तो दुनिया बहुत बड़ी है। ये वीडियोस मेरा पर्पस उन बाकी 50,000 बच्चों के लिए होते हैं जो दूसरे काउंसलर्स के पास जाते हैं, और जो 100 बच्चे हमारे पास आएंगे उनका काम तो सेम हम क्वालिटी से करेंगे ही। हमारे साथ जुड़ना चाहें 9643-6232-20 इज़ अ नंबर, यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। जैसा कि हम जान आपको पता चल गया होगा कि वी डू नॉट रिचार्ज एक्चुअली फ्रॉम फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ, तो 2,500 रुपये फ़ोन पे बात करने के पहली, 5,000 रुपये पहली मीटिंग या जूम कॉल के, और फिर हमारे 4 पैकेज हैं, 30,000 फॉर गवर्नमेंट सीट एंड द होम स्टेट प्राइवेट, 50,000 फॉर 2 to 4 स्टेट्स प्राइवेट और 2 to 4 काउंसलिंग, मोर देन 4 काउंसलिंग 75,000, एंड 1.5 लाख इज़ ओनली फॉर NRI गार्जियन एंड मैनेजमेंट सीट्स ऑफ राजस्थान और NRI ओ सीट्स ऑफ कर्नाटका और IQ सीट्स ऑफ महाराष्ट्र और नेगोशिएटिंग सीट्स ऑफ तमिलनाडु पौंडीचेरी और मे बी इन फ्यूचर द नेगोशिएबल सीट्स ऑफ बंगाल और एनी अदर कॉलेज इफ इट कम्स इन द लास्ट। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।